नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के जानसठ में रोडवेज बस और बाइक की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। रोडवेज बस की टक्कर लगने से बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। शनिवार की दोपहर सिखेड़ा के गाँव भटोड़ा निवासी सचिन पुत्र कृष्णपाल अपने गाँव से मीरापुर की ओर किसी कार्य के लिए जा रहा था। जैसे ही वह जानसठ थाना क्षेत्र के सलारपुर के पास पहुँचा, तभी मीरापुर की ओर से आ रही बिजनौर डिपो की रोडवेज बस के चालक ने ओवरटेक करते हुए आगे निकलने की कोशिश की। तभी सामने से आ रहे बाइक सवार की आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार की सड़क पर गिरकर मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने रोडवेज बस को कब्जे में लेते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि बस चालक मौके से फरार हो गया। परिजनों की ओर से अज्ञात चालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया है। ब्राह्मणों की चिंताजनक स्थिति पर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारियों ने समाज को एकजुट करने के लिए एक सभा का आयोजन जानसठ में किया, जिसमें समाज के विद्वानों ने अपने विचारों से समाज को एकता के सूत्र में पिरोने पर बल दिया। इस दौरान अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेश चंद्र शर्मा ने कहा कि जो भी राजनीतिक पार्टी ब्राह्मण समाज के हित में कार्य करेगी, हम उसी के साथ रहेंगे। शनिवार को जानसठ तहसील क्षेत्र के गाँव अहरोड़ा में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेश चंद्र शर्मा ने की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक पार्टियां अपने हित को लेकर चिंतित हैं, लेकिन वर्तमान समय में ब्राह्मणों की क्या स्थिति है, इस पर कोई पार्टी ध्यान नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। हमें समाज को एकता के सूत्र में पिरोना है तथा सभी को एक साथ लेकर चलना है। उन्होंने कहा कि हम किसी पार्टी के पक्षधर नहीं है, लेकिन जो पार्टी हमारे समाज के अहित के लिए कार्य करेगी, हम उसका विरोध करेंगे। साथ ही जो हमारे समाज के हित के कार्य करेगा, हमारा समाज भी उस पार्टी का सहयोग करेगा। हम आज अहरोड़ा गांव में ब्राह्मणों की वर्तमान स्थिति जो चिंताजनक है, उसको हम किस प्रकार वर्तमान परिवेश में उसका समाधान सोचकर किस प्रकार हम आने वाले समय को अपने उज्जवल बनाएं, इसी विषय पे विचार विमर्श किया है और हम लगातार गांव टू गांव संपर्क करते जा रहे हैं। हमने गांव बहसुमा में, नगर पालिका बहसुमा में एक प्रोग्राम किया है, वहाँ पर भी हमने यही विषय रखा है। हम जो है किसी भी पार्टी के पक्षधर नहीं है। जो भी पार्टी हमारे जाति के लिए, हमारे समाज के लिए विरोध का काम करती है, हम उसका विरोध करते हैं। अगर वह हमारे समाज के सहयोग का कार्य करते हैं, तो हम उसके साथ हैं। ये राष्ट्रीय ब्राह्मण संगठन जो है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय ब्राह्मण संगठन, उसका यहाँ कार्यक्रम था अहरोड़ा में। और ये संघ शक्ति कलयुग में सब लोग संगठन के रूप में रह रहे हैं, संगठन बनाकर रह रहे हैं। हम लोग भी, ब्राह्मण लोग भी जो है, संगठित होकर के रहें, संगठन बना के रहें। ये इस उद्देश्य को लेकर यहाँ पे एक मीटिंग का आयोजन किया गया। पंडित किस किस बातों पे वो दिया गया? देखिए, ब्राह्मणों को, ब्राह्मणों का शोषण हो रहा है जगह जगह जो है। ब्राह्मणों के विषय में केस हो रहे हैं और इतना उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो इस कुरीतियों की वजह से हर पार्टी आती है, ब्राह्मणों का वोट बैंक इकट्ठा करती है और भाग जाती है। मगर ब्राह्मणों का कहीं कोई सुनवाई नहीं हो पाती, उनको चाहे उनके बच्चों की जॉब की बात हो या फिर और अन्य बातें हों, उनकी कहीं सुनवाई नहीं होती। पुलिस हो, थाने में हो, कचहरी में हो, कहीं भी कोई इस तरह की सुनवाई नहीं होती। तो इस वजह से ये संगठित होकर के अभी कहीं कांड जैसे हुआ है, जैसे गोगवान में कांड हुआ और अन्य जगह कांड हुआ, इस तरह से उनकी सुनवाई नहीं होती। तो ये सब इकट्ठा होकर के इन्होंने अपना एक जो है कार्यक्रम रखा है, जिसमें सब लोग ब्राह्मण लोग इकट्ठे हुए हैं और संगठित होकर के इकट्ठे होकर के उन्होंने ये कार्यक्रम में भाग लिया। मुजफ्फरनगर के मीरापुर क्षेत्र के गांव भूमा में खेड़ी सराय को मेरठ पोड़ी राजमार्ग से जोड़ने वाली गांव की मुख्य सड़क पिछले 2 साल से क्षतिग्रस्त पड़ी हुई है। ग्रामीण सड़क बनवाने को लेकर जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों से गुहार भी लगा चुके हैं, लेकिन किसी ने ग्रामीणों की समस्या पर ध्यान नहीं दिया, जिससे ग्रामीणों में रोष पनप रहा है। मीरापुर क्षेत्र के गाँव भूमा व खेड़ी सराय में प्रतिदिन सैकड़ों वाहन इस क्षतिग्रस्त सड़क से गुजरते हैं। सड़क में बने गहरे गड्ढों में वाहन गिरने से कई लोग घायल भी हो चुके हैं। चुनाव के दौरान कई पार्टियों के जनप्रतिनिधियों का इस सड़क में आना जाना होता है। उस समय जनप्रतिनिधि ग्रामीणों से बड़े बड़े वायदे करते हैं, लेकिन बाद में ग्रामीणों की समस्या पर गौर नहीं किया जाता। पिछले 2 सालों से सड़क को ठीक कराने के लिए ग्रामीण जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इनके द्वारा ग्रामीणों की समस्याओं को दरकिनार किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम समर सिंह चौधरी है, मैं भारतीय किसान यूनियन तोमर से
ब्लॉक अध्यक्ष जान सटू, उस सड़क के बारे में हमने 1076 रुपये कई बार शिकायत कर ली, PWD में कर ली, ज्ञापन दे लिए, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। सड़क की बहुत बुरी हालत ख़राब है। मैंने 1076 रुपये कोशिश करी थी, शिकायत करी थी, फोन आ रहे बार बार, लेकिन 26 मार्च को पैसा सैंक्शन हो गया था, ठेका भी हो गया था, सड़क बनाने को कोई तैयार नहीं। जो भाजपा सरकार बिल्कुल जो है उत्पीड़न कर रही, 15-16 गाँव का रास्ता आयो और वहाँ रोज दुर्घटनाएं होती रहें। अब केवल एक ही ऑप्शन हमारे पास बचा, 10 तारीख में महापंचायत है भारतीय किसान तोमर की जान तहसील में, और हम वहाँ से जब तक नहीं जाने जब तक ये सड़क पर। भाई कहना ये है कि मीरापुर से घूमाना, घूमे से मीरापुर जाना एक महाभारत हो गया, इसमें चला नहीं जाता। मोटरसाइकिलों के डपड़े बन गए, ट्रैक्टरों का भी फजीता हो गया, कभी बैरिंग टूट जा, कभी कुछ टूट जा, और मेहमान आने वाले भी गाड़ी देवे सारे गांव का रास्ता। कितने दिन से खराब है रास्ता? ये 2 साल से खराब है और 8-7 गांव का रास्ता है, बहुत परेशानी हो रही है यहाँ सभी को। ये सड़क तो सारी फुटी पड़ी, 2 साल से सारी में गड्ढे गड्ढे हो रहे हैं, और क्या गड्ढों में सड़क है ना, आने जाने वाले सबको दिक्कत है। कई गाँव का रास्ता आयो, एक आधे गाँव का तो रास्ता नहीं है, इसमें तो क्या नाम जो हर दम तो सारी में गड्ढे गड्ढे। मेरा पुरसे लगा कर घूमे तक कहीं ऐसी नहीं जो गियर बदल भी ले दूसरा तीसरा, सारे फुट्टी पड़ी। आए दिन कभी टेम्पू पलट जा, कभी ई रिक्शा सी पलट जा, किसी जगह हाथ टूट जा, किसी जगह पाँच टूट जा, दिक्कत ही दिक्कत है इसमें। और क्या है इसमें, सब में सड़क है ही कहाँ, सड़क तो है ही नहीं, गड्ढे गड्ढे भाई। आज के बुलेटिन में इतना ही, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।